Hey guys, welcome back to the video. दोस्तों अगर आप लोग पास OnePlus का फोन है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपने इस वीडियो के एक भी पार्ट को मिस किया तो आप लोगों के 40,000 रुपए पानी में डूब जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब OnePlus में एक नई बीमारी का इजाद हुआ है और OnePlus के फोन्स में एक नया प्रॉब्लम देखने को मिला है। आप लोगों को पता होगा कि अपडेट करने के बाद ग्रीन लाइन का इशू आता है, बट अगर आज के टाइम में अगर आप लोग अपना डिवाइस अपडेट करते हो तो आपके डिवाइस का मदरबोर्ड डेड हो जाने वाला है। ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ घट रही है और इसके लिए OnePlus 35 से 40,000 रुपए चार्ज कर रहा है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला और यहाँ पे अपडेट करने के बाद क्यों ऐसे प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है, आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर आपका डिवाइस डेड कर चुका है। बट अगर आपका डिवाइस अभी तक डेड नहीं किया है तो आप लोगों को एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है और आगे चल के आपका डिवाइस कभी डेड नहीं करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, मेक श्योर अगर आप लोग चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे टेक वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ, आज हम लोग बात करने वाले हैं OnePlus के एक नए प्रॉब्लम मदरबोर्ड डेड के बारे में। अब तो जैसा कि आप सभी को पता है कि OnePlus में पहले अपडेट करने के बाद उनका ग्रीन लाइन एंड पिंक लाइन इशू देखने को मिल रहा था, जहां पे डिस्प्लेज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। जब ये मैसिव रूफ ले लिया तो यहाँ पे OnePlus वालों ने फ्री रिप्लेसमेंट देना चालू कर दिया। उसके बाद आपको कोई अदर स्मार्टफोन उसके बदले दिया जाता था या उसको फ्री में रिपेयर करके दिया जाता था। दोस्तों आज के टाइम में अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन में अपडेट करते हो तो आपका स्मार्टफोन का मदरबोर्ड डेड हो जाने वाला है। अगर आप लोग के पास OnePlus का 9 सीरीज या फिर 10 सीरीज का कोई भी स्मार्टफोन है तो आप लोग यहाँ पे समझ जाना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास दोस्तों अभी के टाइम में OnePlus का 9 सीरीज हो, 10 सीरीज हो, 8 सीरीज हो, ऐसे स्मार्टफोन है। क्योंकि अभी नए स्मार्टफोन अभी जो लॉन्च हुए ना, उससे ज्यादा लोगों के पास पुराने वाले OnePlus ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जब ये नए नए स्मार्टफोन आने लगे तब तक ये ग्रीन लाइन एंड पिंक लाइन इशू स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद लोगों ने इसको कम खरीदना प्रीफर किया। लेकिन जिन लोगों ने पहले खरीदा है उनके लिए अब ये सरदर्द बन चुका है और आप लोग अगर गलती से अपडेट भी कर देते हो तो आपका डिवाइस और वापस ऑन नहीं होता है। जी हां दोस्तों, ऐसा ही घटना घटा एक यूजर के साथ। जब वो अपना डिवाइस को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद जैसे वो डिवाइस ऑफ हुआ तो उसके बाद और ऑन ही नहीं हुआ, और जब वो सर्विस सेंटर गया तो सर्विस सेंटर वालों ने वहां पे डायरेक्ट इनकार कर दिया और बोला कि आपका मदरबोर्ड डेड हो चुका है और आपको इसके लिए 35,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। जब इसके बारे में उसने OnePlus को बहुत बार कंप्लेन किया कि मेरे डिवाइस में कोई डेंट नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई क्रैक्स नहीं है, फिर भी अपडेट करने के बाद ये डिवाइस ऑन नहीं हो रहा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेसमेंट चाहिए। लेकिन OnePlus वालों का जवाब तो एक ही आता है कि सर आपको सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं, वो भी बस 30% का, उससे ज्यादा हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। और जब इसको ट्विटर पे ये इस बंदे ने पोस्ट किया तो उसमें काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट किया कि भाई मेरे भी फोन में ये प्रॉब्लम आ रही है, मदरबोर्ड डेड मेरा भी हो रहा है, मेरा भी फोन ऑन नहीं हो रहा है, अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम आ रही है। तब देखा गया कि यहां पे OnePlus का 9 एंड 10 सीरीज है ना, इसमें ये मैसिव रूप से फैला हुआ है और लोग जैसे ही अपडेट कर रहे हैं अपने डिवाइस को ये कंप्लीटली डेड हो जा रहा है और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उनका डिवाइस कब अपने आप अपडेट हो रहा है और ये डिवाइस खुद ब खुद डेड हो जा रहा है। और जब एक दूसरे बंदे ने इसके बारे में सेम कंप्लेंट OnePlus को की तो OnePlus ने उसको 15% का डिस्काउंट दिया, यानी कि यहां पे OnePlus का कतई मन नहीं है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, क्योंकि OnePlus का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है कि हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर में और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों का जो मदरबोर्ड डेड हुआ है उसको काफी कम कीमत पे सुधार किया जाए। बट दोस्तों अगर आपका फोन अभी तक डेड नहीं किया है ना, तो आपको एक सिंपल सा ऑप्शन चूज करना है कि आपको अपने फोन का ऑटो अपडेट्स ऑफ कर देना है। सेटिंग में जाना, अपडेट वाले सेक्शन में जाकर के ऑटो अपडेट्स को ऑफ कर दो, और अगर कोई अपडेट आया है तो गलती से भी डाउनलोड मत कर लेना भाई, वरना आपका डिवाइस और वापस ऑन होने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारे यूजर्स ने ये भी बोला है कि भाई उनके फोन में अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन कब तक ये प्रॉब्लम उसके फोन में नहीं आने वाली है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपडेट करने के बाद हो सकता है कि 5 दिन बाद भी ये प्रॉब्लम आ जाए या फिर 10 दिन बाद ये प्रॉब्लम आ जाए, ये जरूरी नहीं कि अपडेट के साथ साथ ही ये प्रॉब्लम आए। दोस्तों अभी अपडेट बिल्कुल भी अपने फोन को मत करना, और अगर आप लोग का फोन डेड कर चुका है तो बिल्कुल मत घबराओ। अभी OnePlus में ये सारी चीजें जब ग्रीन लाइन इशू आई थी तब भी ये चीज चल रही थी, तो वहां पे सस्ते में फोन्स को रिपेयर किया जा रहा था, वहां पे तब पर भी चार्ज किया जाता था। तब जब ये मैसिव रूप ले लिया तो उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी चीजें बदल के दी जाने लगी। तो सेम प्रोसीजर भी इस टाइम भी होने वाला है, जब बड़े बड़े क्रिएटर्स के ऊपर में रिएक्शन देंगे, बड़े बड़े क्रिएटर्स के ऊपर में वीडियोस बनाएंगे, OnePlus से बातें चलेंगे, तो आप लोग के लिए भाई साहब यहां पे सॉल्यूशन मिल जाने वाला है। खैर दोस्तों ये तो आपके बड़े क्रिएटर्स के ऊपर में है कि वो लोग वीडियो बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम लोग भाई साहब कितना भी चिल्ला लो उन लोगों तक तो आवाज पहुंचती नहीं है। फिर भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, उस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके उतना। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, ढेर सारा शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।